गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज बिजेन सिंह। आई एम अ एसएसटी टीचर इन विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल। लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 इन हिस्ट्री, हाउ व्हेन एंड वेयर। नाउ लेट्स गो टू रीड। व्हेन सब्जेक्शन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू चेंज इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंज, दिस रेफर टू कॉलोनाइजेशन। क्या होता है जब कोई एक देश किसी दूसरे देश पर दमनकारी तरीके से उसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाता है, तो इसे हम कॉलोनाइजेशन या उपनिवेशवाद कहते हैं। सब्जेक्शन मीन्स दमनकारी तरीके से, ठीक है। इन 1600 में एक ग्रुप ऑफ इंग्लिश ट्रेडर्स, एक अंग्रेज व्यापारियों का समूह, फाउंडेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन। तो वो क्या करता है, एक व्यापारियों का समूह है जो लंदन में 16वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, एक लंबे संघर्ष के बाद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सीड इन स्टेबलाइजिंग इट्स मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड। तो क्या होता है, एक लंबे संघर्ष के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय व्यापार पर जो है अपनी नीतियाँ लागू करने में सफल हो जाते हैं। आफ्टर स्टेबलाइजिंग इट्स मोनोपोली, अपनी जो है नीतियों को स्थापित करने के बाद ओवर फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार पर, द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्यूपाइड बंगाल इन 1757, विनिंग इट इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी के युद्ध में जब उसकी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी नीतियां स्थापित हो जाती हैं, उसके बाद वो क्या करता है, 1757 में जो है वो बंगाल को एक प्लासी के युद्ध में हरा कर जो है बंगाल पर अपना अधिकार कर लेता है। प्लासी का युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। नाउ नेक्स्ट, द ऑक्यूपेशन इनिशिएट द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो यहाँ से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की शुरुआत हो जाती है, श्री गणेश हो जाता है। इवेंचुअली इंडिया बिकेम ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। अंत में जो है भारत ब्रिटेन की एक कॉलोनी बन जाता है। द एक्सऑर्बिटेंट पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लेड टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल। तो अंत में क्या होता है, जो है भारत अंग्रेजों का जो है की कॉलोनी बन जाती है, और उनकी जो भी पॉलिसी होती है, जो भी पॉलिसी बनाते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, हाँ, या फिर आर्थिक पॉलिसी, जो भी नीतियाँ बनाते हैं, वो भारतीय लोगों के को आर्थिक शोषण, उससे जो है भारतीयों का आर्थिक शोषण बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं उनकी जो भी नीतियाँ बनाते हैं उससे भारतीयों का शोषण जो है बड़े पैमाने पर होने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रेड इनटू द मास्टर्स, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।